गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड अ लेसन गुड हैबिट्स इन माय लास्ट वीडियो, इन विच लेसन वी हैव रीड एंड अंडरस्टूड सम टॉपिक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट. गुड मैनर्स, being polite, being being polite, polite, polite. It is important to be polite to everyone. Means कि हमें सभी के साथ polite रहना important है. We should behave well with others. हमें सबके साथ कैसे behave करना चाहिए? Well behave. अच्छा बिहेव करना चाहिए. पोलाइट वर्ड्स, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी एंड प्लीज आर पोलाइट वर्ड्स. सॉरी, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, प्लीज, ये सब क्या हैं? पोलाइट वर्ड्स. वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्स अस. जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू. व्हेन समवन थैंक्स अस वी शुड से वेलकम. और जब हमें कोई थैंक्स बोलता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? वेलकम. व्हेन समवन थैंक्स अस वी शुड से वेलकम. वी शुड से सॉरी If we hurt someone, जब हम किसी को हर्ट करते हैं या किसी को हमारी वजह से नुकसान होता है, प्रॉब्लम होती है या कहीं चोट लग जाती है, तो हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए? सॉरी. क्या बोलना है? सॉरी. नेक्स्ट इज वी शुड से प्लीज व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग. हमें प्लीज़ कब बोलना चाहिए? जब हमें किसी से कुछ पूछना हो, कुछ भी, तो हम पहले क्या बोलेंगे? प्लीज़. या फिर हमें कभी किसी से कुछ भी लेना है, जैसे सपोज आपको अपनी मम्मा से ही वाटर लेना है, तो आप क्या बोलेंगे? मम्मा प्लीज़ वन ग्लास ऑफ वाटर. मम्मा प्लीज़ गिव मी अ वन ग्लास ऑफ वाटर. या अपने फ्रेंड से आप जब स्कूल में जाते थे तो बोलते थे ना, प्लीज़ गिव मी इरेजर, प्लीज़ गिव मी शार्पनर. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज मोर गुड मैनर्स. वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज हेल्प एल्डरली. मीन्स हमें जो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट एंड ओबे आर एल्डर्स. जो हमसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओबे मीन्स उनका कहना मानना चाहिए. नेक्स्ट इज नेवर फाइट और हर्ट विद आर फ्रेंड्स. हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी फाइट नहीं करना चाहिए और उनको हर्ट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमें हमेशा क्या स्पीक करना चाहिए? ट्रूथ मीन्स सच बोलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज नॉट हार्म एनिमल्स. हमें कभी भी एनिमल्स को हर्ट या हार्म नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी तंग नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज ऑलवेज डू यू वर्क ऑन टाइम. हमें हमेशा अपना वर्क टाइम पे करना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, रीड इट अगेन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. थैंक यू.